बांदा से भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, बांदा का नाम बदलने की मांग की, जिले का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखने का अनुरोध। पूर्व सीएम हरीश रावत की फोन पर हुई वन मंत्री हरक सिंह रावत से बातचीत, चुकुम और सुंदर खाल के आपदा प्रभावित इलाके के हालात को लेकर हुई बातचीत, सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। नमस्कार, मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। रामनगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया दौरा, चुकुम और सुंदरखाल इलाके में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, मौजूदा हालात का लिया जायजा। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया गौला पुल का निरीक्षण, गौला पुल पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को पुल किनारे निर्माण कार्यों को 15 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में प्रतिकूल मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में यात्रियों का सैलाब उमड़ा, कल बद्रीनाथ धाम में 4102 यात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए, 18 सितंबर से अब तक 71,000 से अधिक यात्री भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जोशीमठ में आई आपदा ने मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को बहुत नुकसान किया, आपदा से कुल 300 मीटर सड़क ध्वस्त हुई। जोशीमठ में पहली लड़की जिसने भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में नीति माणा पास साइकिल से पार किया। मसूरी में घने कोहरे के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में आई भारी गिरावट, घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल, मौसम में आई ठंडक। आपदा क्षेत्रों का निरीक्षण कर देहरादून पहुंचे सीएम धामी, कहा प्रदेश में हालात होते जा रहे हैं सामान्य, राहत कार्य भी तेजी के साथ जारी, सभी जिलों के प्रभारी मंत्री लगातार हालात पर बनाए हुए हैं नजर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में क्रॉस फायरिंग में युवक की मौत, पुंछ में 3 सुरक्षाकर्मी घायल। असम की बीजेपी सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन, न खरीद सकेंगे न बेच सकेंगे, अवैध पटाखों का भंडारण करने वालों को पकड़े जाने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर।